मेरठ में एक गरीब परिवार बरसों से दबंगों की प्रताड़ना का शिकार है। पीड़ित परिवार ने अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कई बार पुलिस अफसरों के पास जाकर शिकायत भी दर्ज की। आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित परिवार की मुखिया बुजुर्ग महिला अपने पूरे परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय में पहुंची और इंसाफ न मिलने के हालत में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। वहीं परिवार का कहना है कि पड़ोसियों ने परेशान कर रखा है, वे अपने मकान में कुछ नया निर्माण कार्य तक नहीं कर सकते, न शौचालय बनने दिया और अब न ही खिड़की पर कूलर लगाने दे रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार धमकी दी जाती है और उनके बच्चों को दबंगों ने जीना उहाल कर रखा है। बेहद गरीब होने की वजह से उनके पास आय से प्राप्त स्रोत नहीं है और घर में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। बावजूद उसके दबंग उन्हें कोर्ट कचहरी में फांस रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जीना मुश्किल हो रखा है। एसपी सिटी ने जांच करके कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्या पूरा मामला है? आप इच्छा मृत्यु का जो है? हम इच्छा मृत्यु इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे घर के पीछे एक लेडीज है, महिला है, तीन माँ बेटियाँ हैं, तीनों बहुत हमें सता रखा है। 15 सालों से हमें इतना परेशान कर रखा है, झूठे झूठे मुकदमे करती है हमारे ऊपर। वो चाहती है ये लोग यहाँ से चले जाएँ छोड़ के। हमारे घर में कूलर नहीं है, शौचालय नहीं है, हम बताओ कैसे जीवन बिताएंगे, अपना अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, ये इससे कोर्ट कचहरी इसके भी बस इन्हीं झमेलों में झेलते रहेंगे। कहाँ से आए आप? हम तोपखाने से आए हैं। थाने में आपने जो है? थाने में भी हमने सब FIR वगैरह सब लिखवा रखी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसके ऊपर हमने मुकदमा भी कर रखा है SST का, लेकिन इसके वारंट भी हो रखे हैं लेकिन इसको गिरफ्तार नहीं हुआ। की महिला है? हाँ जी, परिवार की महिला? नहीं, हमारे परिवार की नहीं है, वो पंडित है, हम धोबी हैं। आपने आप कहाँ एप्लीकेशन दी है? हमने एप्लीकेशन तो बहुत जगह दे रखी है, SSP के यहाँ भी दे रखी है, काफ़ी बड़े बड़े अधिकारियों को सबके दे रखी है, DM क्या दे रखी है। हाँ जी, हमने DMG के पास गए थे। अब क्या आश्वासन मिला आपके लिए? बस उन्होंने कहा है करेंगे, आपके लिए भी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। और यदि ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे? बस देखेंगे भैया, फिर वही इच्छा मृत्यु है हमारी, तो और हम क्या कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। हमारे मेरे हस्बैंड है कुरियर का काम करते हैं, कल उन्हें कुछ हो जाए हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे, ये बताओ आप।